नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट, सीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। तो इस वजह से दोस्तों आपके लिए एप्लीकेशन पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जाता है, क्योंकि नोट्स के साथ एक समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं कि टेस्ट दीजिए और अपना इवैल्यूएशन करिए समय समय पर कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ दिया जा रहा है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। यार कहां से प्रश्न आएगा, सब कुछ एक स्ट्रेटजी के तहत तैयार किया जा रहा है। कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारी जो बैचेज चल रही है, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की बैच चल रही है, झारखंड टीजीटी पीजीटी की बैच चल रही है। झारखंड पीजीटी का नया बैच बहुत ही जल्द अभी स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर का भी बैच चल रहा है। और आपकी जो वैलिडिटी आप कोर्स होगी वो लाइफ टाइम होगी। इट मीन्स अगर जो आप एक बार फीस पेमेंट करते हैं तो आप आगामी परीक्षाओं के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो सेम नंबर नीचे आ रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, अगर जो आप ऐसे नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी अगर जो आपको इंक्वायरी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अलग से आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अलग से आपको करंट, कुछ भी अलग से चाहिए तो सारी चीजें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है भाई? चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि उल्टे यू आकार का कुजनेटस वक्र क्या दर्शाता है। उल्टे यू आकार का, ये अपने आप में एक प्रश्न है, ठीक है, पूछता है ना कि कुजनेटस वक्र किस आकार का होता है। तो ये आप जब इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को तो कुछ इसी आकार का तो होता है ना, सॉरी इस आकार का नहीं, उल्टे यू आकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है ना। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को देख के घबराना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है, मैं बता रहा हूँ, फिर आप जिंदगी में कभी भी इसको भूलने वाले नहीं है। कुजनेटस साहब ये कहते हैं कि जब कोई राष्ट्र आर्थिक विकास करता है, जब कोई राष्ट्र आर्थिक विकास करता है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जब कोई राष्ट्र आर्थिक विकास करता है तो आर्थिक विकास करने से सबसे पहले जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, अर्थात जो अमीर होता है, वो क्या होता है, लाभान्वित होता है। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो सबसे पहले लाभान्वित होते हैं, लेकिन धीरे 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 दीर्घ काल में, एक लंबे समय में ये क्या होता है कि आर्थिक विकास होता चला जाता है, तो ये जो उच्च वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं इनसे होते हुए अब किसको लाभ मिलने लगेगा, निम्न वर्ग को भी लाभ मिलने लगेगा, ठीक है। तो दीर्घ काल में निम्न वर्ग को भी क्या होने लगता है, लाभ की प्राप्ति होने लगती है। तो इजी सी बात है, कुजनेटस साहब बस यही बात बताते हैं,
कि अगर जो कोई राष्ट्र आर्थिक विकास करता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, ठीक है। और उसके बाद दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में भी इस आर्थिक विकास से निम्न वर्ग के लोग क्या होने वाले हैं, लाभान्वित होने वाले हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है आय की असमानता बढ़ती है और फिर क्या होती है, गिरती है। अर्थात जब आर्थिक विकास होता है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो उच्च वर्ग को मिलता है, तो इस वजह से आर्थिक असमानता क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन दीर्घकाल में ये उच्च वर्ग से होते हुए निम्न वर्ग तक भी क्या होता है कि लाभ पहुंचता है और निम्न वर्ग के लोग भी लास्ट में क्या होने लगते हैं कि वो लोग भी ऊपर उठने लगते हैं, उनको भी आय होने लगती है। तो इसका उत्तर जो होने वाला है सर वो बी होने वाला है कि आर्थिक उल्टे यू आकार का कुजनेटस वक्र हमें दिखाता है कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है आय की असमानताएं बढ़ती है और फिर क्या होना शुरू कर देती है, गिरना शुरू कर देती है। तो आसान सी बात है, एक लाइन की बात है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि कुजनेटस साहब ये कहते हैं कि जब कोई राष्ट्र आर्थिक विकास करता है तो जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं अर्थात जो अमीर होते हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ पहले प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद दीर्घ काल में ये जो आर्थिक विकास के का जो असर पड़ता है वो निम्न वर्ग के ऊपर भी पड़ता है, तो प्रारंभ में आय विषमता बढ़ेगी लेकिन बाद में आय विषमता क्या होती है, घटने लगती है। तो बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आज के बाद कभी कुजनेटस साहब को गलत ना करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, ठीक है। और सुबह 10 बजे वाली क्लास सभी लोग ज्वाइन किया करिए, ठीक है, क्योंकि 10 बजे आज हम लोगों ने टीजीटी 2016 का प्रश्न पत्र को हम लोगों ने देखा है, तो अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, ठीक है। तो सुबह 10 बजे वाली क्लास को भी ज्वाइन किया करिए, जो लोग आज ज्वाइन किए होंगे उनको बहुत मजा आया होगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, गरीबी के सेन माप। सेन साहब ने गरीबी का माप बताया था, आप सभी लोग को पता ही होगा। क्या कहा था इन्होंने कि गरीबी के सेन माप के बारे में कहा जाता है कि वह मात्र संपत्ति वितरण की अपेक्षा कल्याण वितरण को मापता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वह व्यक्ति के वह गरीबी रेखा से नीचे प्रत्येक व्यक्ति की आय में कमी को मापने की क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो याद रखिएगा कि गरीबी के सेन माप के बारे में कहा जाता है कि वह मात्र संपत्ति वितरण की अपेक्षा कल्याण वितरण को मापता है। क्यों मापता है, इसलिए मापता है क्योंकि गरीबी सूचकांक के अंतर्गत सेन साहब ने इस बात पे ज्यादा तवज्जो दिया कि हम क्या करेंगे कि गरीबों में जो सबसे गरीब है उसकी आय को मापने की चेष्टा करते हैं। तो डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वरुण गुणांक किसके मध्य संबंध को बताता है, ठीक है। वरुण गुणांक जो है वो किसके किसके मध्य संबंध को बताता है, कमेंट करके बताना है। और सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने सारे लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है भैया, कृपया करके सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रश्मि तिवारी जी, आई एम जी, वैभव जी, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी यहाँ पे सी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि वरुण गुणांक जो है वो विनिर्माण में श्रम उत्पादकता की वृद्धि तथा विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि की बात करता है, ठीक है। इनका ये कहते हैं कि विनिर्माण के अंतर्गत अगर जो श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी तो राष्ट्र में जो उत्पादन हो रहा है उसके उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी
ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। कुछ स्टार्टिंग के प्रश्न थोड़े से आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परेशान ना होइए, ये क्या है, कठिन भी प्रश्न आएंगे और आसान भी प्रश्न आएंगे। आपके पेपर में भी यही फॉर्मेट होता है कि 10-15 क्वेश्चन बहुत कठिन आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद 50-60-70 क्वेश्चन बहुत आसान आ जाएंगे, उसके बाद जो आपके मॉडरेट लेवल के बचे हुए क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो कठिन लेवल के भी प्रश्न को करना है, आसान लेवल के भी प्रश्न को करना है और मॉडरेट लेवल के भी प्रश्न को करना है। तो परेशान ना होइएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आप चीजों को समझ ना पाए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर सही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम लोगों का गलत आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का। अरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही है की बात कर रहा है, सॉरी गलत नहीं, सही होगी बात कर रहा है। तो हेरड के अर्थ में तकनीकी परिवर्तन को पूंजी बचत कहा जाता है, यदि वह क्या करता है, पूंजी उत्पाद अनुपात को क्या करे, बढ़ाए कि घटाए, बढ़ाए कि घटाए। सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि पूंजी उत्पाद अनुपात को बढ़ाता है। और इन्होंने तकनीकी को क्या माना था, तटस्थ माना था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से, एक सेकेंड रुक जाइएगा, हेरड के अर्थ में तकनीकी परिवर्तन को पूंजी बचत कहा जाता है, एक सेकेंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, पूंजी उत्पाद अनुपात को घटाएगा ना भैया, बढ़ाएगा कैसे। देखिए, हेरड के अर्थ में तकनीकी परिवर्तन, अगर जो तकनीकी में परिवर्तन होगा तो पूंजी, पूंजी बचत को, पूंजी बचत क्या बोलेंगे, पूंजी बचत को क्या बोलेंगे, यही ना बोलेंगे कि पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी करता है। तो जितने लोग भी ए सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, यार सी होगा, है ना, इजी सी बात है भैया। टेक्नोलॉजी परिवर्तन करेंगे, टेक्नोलॉजी परिवर्तन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करिए, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करिए। और सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए, कठिन प्रश्न को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करिए। पहली बार आएगा तो बहुत कठिन लगेगा, दूसरी बार आएगा थोड़ा आसान, तीसरी बार और आसान, चौथी बार बहुत आसान, पांचवी बार लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस आराम से पढ़ते रहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। विदेशी पूंजी निवेश का संबंध किससे है, विदेशी पूंजी, यहाँ पे क्या दिया गया है, समिति दिया गया है और आयोग दिया गया है और इसके अध्यक्ष की बात हो रही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया है। तो पूंजी निवेश जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, वो एन के सिंह से संबंधित है। जोखिम पूंजी की बात करें तो ये किससे संबंधित है, चंद्रशेखर से संबंधित है। यू पी एस यू में विनिवेश की बात करें दोस्तों तो ये रामाकृष्णन से संबंधित है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। और पूंजी खातों की परिवर्तनीयता की बात करें दोस्तों तो ये तारापुर, ठीक है, ये जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तारापुर थे। तो आई होप कि आप लोग इसको ठीक कर पा रहे होंगे। 1, 2, 4 और 3 क्या उत्तर होगा, 1, 2, 4 और 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी 1, 2, 4, 3 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि की जीवन क्षमता को चुनौती निम्न द्वारा दिया जाता है। थोड़ा आराम से और थोड़ा धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, है ना, बिल्कुल ठीक है। अभी मॉडरेट लेवल के भी प्रश्न आएंगे, इजी लेवल के भी प्रश्न आएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में कृषि की जीवन क्षमता को मुख्य चुनौती निम्न द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, सी के तरफ जा रहे हैं। बहुत कठिन हो रहा है क्या सेशन, बहुत कठिन हो रहा है क्या, अच्छा देखते हैं तो क्या उत्तर आ रहा है। तो भारत में कृषि की जीवन क्षमता को चुनौती निम्न द्वारा दिया जाता है, तो
ऊंची घरेलू सहायता के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। निर्यात उत्पादन, नहीं भैया, हम तो जितना उत्पादन करते हैं उतने उत्पादन को अपने देश के अंदर ही नहीं बेच पाते हैं। बाजार की अपूर्णता है, एब्सोल्युटली हमारे पास है बहुत सा अपूर्णता है, मतलब बाजार ठीक नहीं है, जहाँ पे मांग व पूर्ति क्रियाशील ठीक तरीके से हो। और विभिन्न शुल्क एवं निःशुल्क बाधाओं के माध्यम से बाजार सुलभता से वंचित भी करता है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 1, 3 और 4, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रश्न का मतलब ये है कि भैया ये बताइए कि भारत में जो कृषि की क्षमता है उसका ठीक तरीके से हम प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे, भारत में ठीक तरीके से कृषि क्यों नहीं हो पा रही है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमको जो सहायता मिलती है वो ऊंची घरेलू सहायता देखने को मिलती है, बाजार में अपूर्णताएं देखने को मिलती है, मतलब हम उत्पादन तो कर ले रहे हैं लेकिन बेचने के पास हमारे पास बाजार नहीं है। और बहुत सारे ऐसी बाधाएं हैं जो शुल्क, जहाँ पे आपको शुल्क देना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जहाँ पे कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है फिर भी आपको वो बाधा बनता है। आप कहेंगे सर कैसे कैसे बिना शुल्क दिए हुए बाधा क्या होता है, तो अगर जो आप ऐसे गाँवों में रहते हैं कि जहां से आपके गांव से शहर की दूरी 50 किलोमीटर है और सड़क वहां पे बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, अपने अपने उत्पादन को शहर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, कोई कोई गाड़ी करेंगे। तो 50 किलोमीटर आपको एक तो क्या करना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा उसका, और सड़क अच्छी नहीं है तो आपका सामान रास्ते में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि निम्न किस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा शून्य के निकट होती है। देखिए आज का जो हम लोग सेशन कर रहे हैं ना, ठीक और ठीक इसी प्रकार का पैटर्न आपके एग्जाम में पूछने को मिलता है। अभी हम लोगों ने कम से कम 15 क्वेश्चन किए हैं, तो जो 15 क्वेश्चन थे वो कठिन प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो अभी तक जितने भी प्रश्न हुए हैं वो कठिन श्रेणी के प्रश्नों में आते हैं, और अब आगे जो हम लोग प्रश्न करेंगे वो मध्यम या ऑड सामान्य श्रेणी के प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो 15 स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे ये बहुत महत्वपूर्ण थे, अगर जो क्लास को लेट से आपने ज्वाइन किया है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भैया, ये तो सभी लोग बताएंगे, अब यहाँ से तो सबका उत्तर ठीक होने वाला है भैया, बिल्कुल ठीक है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा शून्य के निकट होती है, तो वो होती है प्रचन्न बेरोजगारी। और प्रचन्न बेरोजगारी को और क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, और क्या बोलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यहाँ पे कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है, उनको ऐसा लगता है कि हम उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उनका उत्पादन में लगे रहने या ना लगे रहने से उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे 2 एकड़ की जमीन है, 2 एकड़ पे आपके पिताजी क्या कर रहे हैं कि अकेले अकेले 2 एकड़ पे आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, 2 क्विंटल क्या कर रहे हैं, 2 क्विंटल अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। आप हो गए बेरोजगार, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। तो मान लीजिए कि कोई बेरोजगार हो गया, आप नहीं मान लो उसको, जिससे आप बहुत ज्यादा क्या होते हो, जिसको आप कहते हो कि यार ये ठीक आदमी नहीं, उसके बारे में सोच लीजिए। तो अब इस व्यक्ति के 2 बच्चे हो गए, नौकरी मिली नहीं, तो अब ये दोनों बच्चे आ जाएंगे, कहेंगे कि हम भी क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो अब कुल मिला जुला के 3 लोग क्या करेंगे, इसी 2 एकड़ भूमि पे उत्पादन करेंगे। तो भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है, निश्चित है ना। अब 3 लोग मिलके 6 क्विंटल थोड़ी उत्पादन कर पाएंगे, 2 ही क्विंटल उत्पादन कर पाएंगे। तो ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं ना, ये इनको ये लग रहा है कि हम उत्पादन कर रहे हैं लेकिन वास्तव में ये उत्पादन, इनके उत्पादन में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं बार बार दोस्तों थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नए आए होंगे वो लोग नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, तो इसलिए मैं बता देता हूं, अदरवाइज चीजें तो बहुत आसान है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास जुड़े फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों है भैया। अरुदत्ती देवी जी, अफसाना सिद्दीकी जी, बृष्टि जी, अनिश जी, विजिवल जी, श्याम मिश्रा जी, सरिता जी, सीमा माथुर जी,
बृष्टि शर्मा जी बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा लाइक और शेयर भी वीडियो को कर दिया करिए। तो उपभोक्ता अधिशेष के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। उपभोक्ता अधिशेष अर्थात उपभोक्ता अतिरेक की बात कौन करता है, इसकी बात कौन करता है उपभोक्ता अतिरेक की? मार्शल साहब करते हैं। क्या कहते हैं कि उपभोक्ता का अतिरेक क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य देने को तैयार है और वास्तव में जो मूल्य दे उसी के बीच के अंतर को ही उपभोक्ता का अतिरेक कहते हैं। हम कहते हैं कि एप्लीकेशन पे फीस क्या है, 2,000 रुपये है, 2,500 रुपये है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, कहते हैं सर हम बड़ा गरीब हैं, थोड़ा सा सर कुछ कम कर दीजिए। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि ठीक है भैया, आप ऐसा करो कि मुझे भी GST देना पड़ता है, मुझे भी क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन का सर्विंग चार्ज देना पड़ता है, मैं अपना लाभ क्या कर दूंगा कि कट कर दूंगा, लेकिन बाकी तो आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि वो आपका क्या हो गया, आपने सोचा 2,000 देना है लेकिन मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, तो जो जो कम किया वही आपका क्या हो गया, अतिरेक हो गया। हाँ ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। लेकिन अब ये नहीं कि सभी लोग फोन करने लगेंगे सर हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम फीस जमा करें, है ना। गुरु से बार्गेनिंग कभी नहीं करना चाहिए, जहाँ पे शिक्षा की बात हो वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उपभोक्ता अधिशेष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ विचार करके आप लोग क्या बता रहे हैं भैया, विचार करने के बाद क्या बता रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा और कोई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बता रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि बोल्डिंग ने उपभोक्ता अधिशेष को क्रेता अधिशेष का नाम दिया। ये अपने आप में PGT में एक सेपरेट सा प्रश्न है, पूछा जाता है कि ये बताइए कि किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता के अधिशेष को क्रेता का अधिशेष कहा, अर्थात किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता की बचत कहा? तो ये हमारे बोल्डिंग साहब के द्वारा कहा गया, ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। हिक्स ने उपभोक्ता अधिशेष की व्याख्या अधिमान वक्रों के माध्यम से किया है, एब्सोल्युटली 100% राइट होने वाला है। और कीमत तथा उपभोक्ता अधिशेष में सीधा संबंध होता है, नहीं भैया कीमत और उपभोक्ता अधिशेष में सीधा संबंध नहीं होता है, विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमतें जितनी ऊंची होगी उतना ही आपका अतिरेक कम होगा, ठीक है, जितनी ही कीमत ज्यादा देंगे उतना ही अतिरेक कम होगा, अर्थात लाभ कम मिलेगा। और अगला है कि उपभोक्ता अधिशेष कुछ नहीं है परंतु किसी उत्पाद की उस कीमत को जिसे कोई देना चाहता है तथा उस कीमत को जिसे किसी को देना पड़ता है उसी का अंतर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं 1, 2, 4 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुक्त व्यापार के पक्ष में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। चलिए भैया मुक्त व्यापार के पक्ष में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। मुक्त व्यापार की बात आ रही है, कौन कौन याद आने चाहिए? एडम स्मिथ साहब याद आ जाने चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको रिकार्डो साहब याद आ जाने चाहिए, ठीक है, J.S. मिल साहब याद आ जाने चाहिए, ठीक है, हैबरल साहब याद आ जाने चाहिए। क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, व्यापार स्वतंत्र होना चाहिए, व्यापार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात आयात और निर्यात पर सरकार के द्वारा कोई भी कर अर्थात सरकार के द्वारा कोई भी प्रशुल्क नहीं लगाना चाहिए, कोई भी कोटा निर्धारित नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से, गलतियां हो रही हैं, कई सारी गलतियां हो रही हैं, कई लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, बी बोल रहे हैं, अच्छा बी बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं। इसका मतलब कि मुक्त व्यापार उत्पादन आय एवं रोजगार को अधिकतम करता है। अब आप कहेंगे सर जी मुक्त व्यापार कैसे अधिकतम करता है, कि मान लीजिए कि खादी वस्त्र उद्योग है, तो खादी के बने हुए कपड़े की डिमांड अगर जो विश्व बाजार में ज्यादा हो जाए तो जो मेरठ के निवासी हैं वो क्या हो जाएंगे, उनके उनको रोजगार क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। और रोजगार जब अधिकतम मिलेगा तो आय प्राप्त ज्यादा होगा, ठीक है, और उत्पादन का स्तर भी वो बढ़ाएंगे। जो गुजरात के व्यापारी है, मतलब बहुत सारी जगहों बहुत सारे शहर ऐसे हैं
जहां पे खादी वस्त्र उद्योग का क्या है कि बहुत प्रचलन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां पे रोजगार का स्तर बढ़ेगा। मुक्त व्यापार एकाधिकारी को रोकता है, एब्सोल्युटली ठीक है भैया। मुक्त व्यापार से क्या होगा, बहुत सारे क्या आ जाएंगे, प्रतिस्पर्धी आ जाएंगे, आप अकेले नहीं बचेंगे क्योंकि विश्व बाजार बहुत बड़ा होता है। आगे, मुक्त व्यापार घरेलू उद्योगों को संरक्षण देता है, नहीं संरक्षण नहीं देता भैया, कहता है कंपटीट करो, संरक्षण नहीं देंगे हम। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है ना कि संरक्षण देता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि फाई रेनिस मॉडल निम्नलिखित में से किस एक की व्याख्या करता है। बढ़िया सा प्रश्न है भाई, बता दीजिए, बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, जितने लोग क्लास देख रहे हैं 50% लोग भी लाइक शेयर नहीं किए हैं, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए भाई बताइए, फाई रेनिस मॉडल निम्नलिखित में से किस एक की व्याख्या करता है। बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है, कभी भी गलत नहीं करना है। इजी सी बात है, फाई रेनिस मॉडल जो है दोस्तों वो किसके किसके मध्य संबंध को बताता है, वो बताता है कृषि और उद्योग के मध्य, ठीक है, कृषि और उद्योग के मध्य परस्पर संबंध को बताता है। अर्थात वो ये कहता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ना चाहिए, अगर जो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो यहाँ से हमें कच्चा माल प्राप्त हो जाएगा, और जब यहाँ से हमें कच्चा माल मिलेगा तो हम उद्योगों में ले जा करके इस कच्चे माल से उत्पादन का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से कृषि और औद्योगिक सेक्टर के बीच क्या बोलते हैं, परस्पर संबंध। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया भाई, इस प्रश्न का उत्तर करिए, लॉरेंज वक्र किसके बीच संबंध बताता है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक बताइए। लेकिन आप तो कहेंगे सर यहाँ तो आय विषमता की बात दे ही नहीं रहा है, हम तो यही पढ़े हैं कि लॉरेंज वक्र और, ठीक है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक जो है वो आय में विषमता की माप करता है, तो यहाँ पे आय में विषमता की बात तो हो ही नहीं रही है, यही होगा। चलिए तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, लॉरेंज वक्र बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति के मध्य संबंध बताता है। इतने सारे महानुभाव बोल रहे हैं सर जी ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अरे नहीं भैया, जनसंख्या समूह और उसके संगत आय अंश के, क्यों गलत कर रहे हैं आप, इसलिए गलत कर रहे हैं कि आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ रहे, आप यहाँ पे फिलिप्स वक्र को पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति की बात कौन करता है, फिलिप्स आप करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्यों कर दिए, ऑप्शन नंबर सी क्यों कर दिए भैया। कि सर बहुत बार बताए हैं किसी ना किसी प्रश्न का उत्तर बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति होता है। अरे भाई, बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति में विपरीत संबंध बताने का कार्य कौन करता है, हमारे फिलिप्स साहब बोलते हैं, और लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक जो है ये आय में विषमता को मापता है, और आय में विषमता का जो स्तर होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर 100 के बीच में मापता है, ठीक है। तो जनसंख्या समूह और उसके संगत आय का जो अंश होता है, तो आय के अंश की बात कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे इधर उधर मापने की ही बात हो रही है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार है। और 7 बजे आपकी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पे तो चलती रहेगी, है ना, ये तब तक चलती रहेगी जब तक भैया मैं टीचिंग करूंगा, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे क्लास होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे क्लास रोज होगी, ईच एंड एवरी डे होगी, है ना, और सुबह 10 बजे जहाँ पे क्लास होती है वहां पे होगी ही होगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितना रखा गया है, कितना रखा गया, चलिए प्रति व्यक्ति आय भी बता दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे भी बता दीजिएगा कमेंट करके कि कै रुपए रखा गया है गरीब के लिए और कै रुपए रखा गया है अमीर के लिए, ठीक है। और गरीब भारत में गरीबी की परिभाषा का जो आधार है वो क्या है, खुराक की कैलोरी मात्रा। अगर जो आप क्या है, क्या है गरीब अमीर नहीं यार, क्या ग्रामीण, ठीक है ग्रामीण और शहरी आधार पे, ठीक है। तो क्या होगा, खुराक की कैलोरी मात्रा के आधार पे इट मीन्स की क्या होना चाहिए। आज बहुत सारा क्लास ले लिया हूं, ठीक है। तो अगर जो आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आप 2400 कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो आपको गरीब नहीं माना जाएगा। और अगर जो आप शहर में रहते हैं, शहरी इलाके में अगर जो आप रहते हैं तो आप 2100 कैलोरी अगर जो कंज्यूम करेंगे तो आपको गरीब नहीं माना जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है, बिल्कुल सही है। सभी लोग सी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या है भैया, 32 रुपए है किसके लिए, शहरी शहरों के लिए, मतलब शहर में 32 रुपए पा रहे हैं प्रतिदिन पा रहे हैं तो आप मतलब क्या है कि गरीबी रेखा के अंदर नहीं आते हैं। और ग्रामीण इलाका में क्या है, 26 रुपए, थोड़ा सा शायद परिवर्तन हुआ है, अब 27 रुपए हुआ है क्या, तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शायद 26 रुपए है या 1 रुपए शायद परिवर्तित हुआ है, ठीक है, मतलब 26 या 27 दोनों में इसको एक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो भारत में गरीबी रेखा की परिभाषा का आधार है खुराक की कैलोरी मात्रा। अगर जो आप गांव में रह रहे हैं 2400 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहे हैं दिन भर में तो आप गरीब नहीं है, शहर में आप है और अगर जो 2100 कैलोरी कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। अगला प्रश्न, चलिए बिल्कुल ठीक है। नीरज कुमार जी पूछ रहे हैं, सर जी आपको एनर्जी इतनी कहाँ से मिलती है। अरे नीरज कुमार जी को बस किसी कार्य को करने का लक्ष्य बना लीजिए, इस शरीर के अंदर अपार ऊर्जा है ना, वो मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है, ठीक है। बस लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, इनफाइनाइट पावर है मनुष्य के पास। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पूरा दिन भर सोते हैं और शाम को उठते हैं तो एकदम थके हुए रहते हैं, ठीक है। पूरा दिन भर सोने के बावजूद भी शाम को उठेंगे, अगर जो 4 5 6 घंटे भी दिन में सो रहे हैं शाम को उठेंगे तो उनको लगेगा यार बहुत थकान हुई है, बहुत थकान हुई है। रात भर सोएंगे, दिन भर सोएंगे, फिर भी उनको थकान छोड़ेगा नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 7 8 घंटे की नींद ले लिए लेकिन अपने काम के प्रति अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं तो उनको क्या होता है, थकान नहीं होता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, एनर्जी इनफाइनाइट है, बहुत एनर्जी है आपके पास। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, अच्छा भैया देखते हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है भैया, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, देखिए देखते हैं, चलिए। कि 1981 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर में थोड़ी सी गिरावट आई है, देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, डी सभी लोग बोल रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, हाँ ठीक है। स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुष धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है भैया, कहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कम होता चला जा रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। अगर जो स्त्री पुरुष अनुपात आप देखेंगे तो स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है, पुरुषों की संख्या ज्यादा होती जा रही है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा ना। आगे देखते हैं, एक सेकेंड,
भारत की लगभग आधी जनसंख्या अभी भी निरक्षर है। बिल्कुल ठीक है, निरक्षरता का प्रतिशत आपको पता ही है, 50% से ज्यादा लोग अभी भी क्या है, निरक्षर हैं। लगभग आधी बोल रहा है, ठीक है, 50% से ज्यादा नहीं, लगभग। अब ये डाटा चेंज हो गया, थोड़ा कम होना चाहिए, तो ये भी कंप्लीटली ठीक नहीं है। जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है भैया, जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, ठीक है। तो जो उत्तर सही होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो स्त्री पुरुष अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितने लोग भी, एक सेकेंड, धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाँ, स्त्री पुरुष अनुपात प्रति प्रति 1000 पुरुष धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब स्थिर, क्या कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि खराब ही तो हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। स्त्री पुरुष अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब इसका गैप जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, फिर तो गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये भी सही होना चाहिए। तो एक दो चार, ऐसी स्थिति में तो हाँ डी होना चाहिए, है ना, ऐसी स्थिति में तो डी ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मैं ही थोड़ा सा उसको गलत तरीके से समझ गया, बढ़ रहा है इसका मतलब, हाँ, स्त्री और पुरुष में क्या हो रहा है, अंतर बढ़ रहा है, ठीक है। वो एक्सप्लेन मैं ठीक कर रहा था लेकिन मैं समझ उसको ठीक नहीं रहा था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ, क्या उत्तर होगा, हाँ, क्या उत्तर होगा, डी ही होगा, चलिए ठीक है। क्या उत्तर होगा भैया, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में निर्मित ट्रेजडी बिल की परिपक्व अवधि नहीं है। ट्रेजडी बिल की जो परिपक्व अवधि कौन सी नहीं है भाई, बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं भाई, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। ट्रेजडी बिल की जो परिपक्व अवधि होती है वो कितनी होती है, 51 दिन होती है, 51 91 दिन होती है, 182 दिन होती है और 364 दिन होती है, 273 दिन नहीं होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया की गई है। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, कई तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। और झारखंड से जो लोग भी जुड़े हैं, 12 बजे क्लास आपकी लाइव होती है, तो लाइव क्लास ज्वाइन जरूर कर किया करिए एप्लीकेशन पे, ठीक है। सारी चीजें मेरे द्वारा आपको वहां पे पढ़ाई जा रही है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश की प्रक्रिया की गई है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं सभी लोग कि सार्वजनिक उपक्रमों को बाजार को अनुशासन में लाने के लिए तथा उसकी कार्य कुशलता में सुधार करने लाने के लिए। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश इसीलिए तो किया जाता है ना दोस्तों, कि उससे क्या हो कि सार्वजनिक उपक्रम जो है उनमें अनुशासन लाया जाए और उनकी कार्यशैली में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, विकेंद्रित नियोजन का अर्थ है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कल बताया था लेकिन अलग फॉर्म में बताया था, आज आराम से देखिए, ठीक है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आप ईमानदारी से कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, इवेल्युएशन करिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, सभी
सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, सबका बैच अलग अलग है, आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस जो है वो केवल और केवल 2500 रुपए है। इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां पे डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, निम्नतम प्रशासनिक स्तर से नियोजन का प्रादुर्भाव होना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। विकेंद्रित नियोजन के अंतर्गत दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है कि एक व्यक्तिगत इकाइयां जो होती हैं, व्यक्तिगत इकाइयां कोई योजना बनाती हैं, व्यक्तिगत इकाई कोई योजना बनाती है और ये व्यक्तिगत इकाई जो है ये योजना किसको भेजती है, औद्योगिक उद्योगों को भेजती है, ठीक है, औद्योगिक इकाई को भेजती है। फिर ये जो औद्योगिक इकाई है वो किसको भेजती है, राज्य सरकार के पास भेजती है और फिर ये जो राज्य सरकार है वो किसके पास भेजती है, केंद्र सरकार के पास भेजती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि नीचे व्यक्तिगत इकाइयों से योजना कोई बन रहा है और फिर ये व्यक्तिगत इकाइयां अपनी योजनाओं को उद्योगों की तरफ मूव करा रही हैं, उद्योग या राज्य सरकार और राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार की तरफ। तो न्यूनतम प्रशासनिक स्तर से नियोजन का प्रादुर्भाव, मतलब न्यूनतम प्रशासनिक स्तर मतलब व्यक्तिगत इकाइयां योजना बनाएंगी, फिर उद्योगों की तरफ जाएगा, उद्योग से राज्य की तरफ और राज्य से लास्ट में क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न की राज्यों को तदर्थ अनुदान हेतु गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण महत्व दिया गया, बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उस पिताजी बोल रहे हैं सर डाटा खत्म हो गया, वाईफाई किसी से ले लीजिए, ठीक है, वाईफाई किसी से ले लीजिए घर में, ठीक है। सभी लोग यूज करते होंगे इंटरनेट, लेकिन आपकी माताजी का जो फोन होगा उसमें इंटरनेट जरूर अभी बचा होगा, तो उनके मोबाइल से कनेक्ट करा लीजिए, कोई दिक्कत हाँ, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि भारत को तदर्थ अनुदान हेतु गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना जनसंख्या को, सभी लोग यही बोल रहे हैं ना, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, और कोई ए के अलावा, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जनसंख्या को, तो राज्यों को तदर्थ अनुदान हेतु गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया था, वो दिया गया था जनसंख्या को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या का कितना प्रतिशत रखा गया था इस अनुदान के तहत, ये रखा गया था 60%, ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कितना रखा गया था, 60% रखा गया था। और अन्य आय हो गया, कर हो गया, सिंचाई हो गया, उसको कितना रखा गया था, 10% रखा गया था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ है, राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप कौन सा है, चलिए चलिए क्या उत्तर आएगा भाई, राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डी के तरफ सभी लोग जा रहे हैं, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं,
डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप में अर्थ जो होता है वो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आय का तात्पर्य क्या है कि अर्थव्यवस्था में पूरे एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों के योग को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या होता है, कई बार बताया हूं, आसान सा प्रश्न है, कोई गलत नहीं कर रहा है ना, ये बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे आपकी क्लास होती है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, बहुत कम समय में सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार नहीं, अनेकों बार बताया हूँ, बार बार बताया हूँ, बहुत बार इसकी व्याख्या हुई है। तो जो जीएनपी होता है और जो जीडीपी होता है, इसमें जो अंतर होता है वो विदेशों से शुद्ध साधन आय के अंतर के बराबर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, यदि सकल निवेश शून्य हो जाए तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। सकल निवेश अर्थात अर्थव्यवस्था में कोई निवेश ही ना हो, तो कौन सी ऐसी चीज है जो राष्ट्रीय आय को जीरो होने से रोकेगा। तो आई होप कि सबको पता होगा ये बात, कौन सा राष्ट्रीय आय, क्या राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकेगा। तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकेगा उपभोग, क्योंकि कपड़ा पहनना ही है, ठीक है, भोजन करना ही है, तो कुछ ना कुछ तो उपभोग करेंगे, कुछ ना कुछ तो आर्थिक क्रियाएं होंगी, तेल खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, आटा खरीदेंगे, ठीक है, नमक खरीदेंगे, तो थोड़ी बहुत तो आर्थिक क्रियाएं होंगी अगर जो निवेश शून्य भी हो जाए तो अगर जो थोड़ी बहुत आर्थिक क्रियाएं होंगी तो राष्ट्रीय आय कभी भी क्या होती है, शून्य नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, उदासीन बकरे एक दूसरे को नहीं काटते, उदासीन बकरे एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, इतना आसान प्रश्न कैसे आ गया भाई। उदासीन बकरे एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, बता दीजिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इस प्रश्न का उत्तर करिए, तो ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बोलेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई। तो उदासीन वक्र एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि प्रत्येक वक्र जो होता है वो संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को, अर्थात भिन्न भिन्न स्तरों को क्या करता है, इंडिकेट करता है। और उदासीन वक्र आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये मूल बिंदु के क्या होता है, उन्नतोदर होता है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न ये रहा कि राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है। झारखंड पीजीटी के लिए सर्वोत्तम प्रश्न है ये प्रश्न जो है, वो झारखंड पीजीटी के लिए सर्वोत्तम प्रश्नों में से एक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ठीक है, डी बोल रहे हैं, और कोई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो आय विधि की बात करें, उत्पाद विधि की बात करें और व्यय विधि की बात करें, तो इन तीनों की आलोचनाएं जो है वो अलग अलग स्तरों पे की गई हैं। लेकिन अगर जो आय विधि और उत्पाद विधि दोनों का समन्वय करके हम लोग राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो डाटा है उसमें सटीकता देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, आय तथा उत्पाद विधि दोनों का समन्वय, मतलब आय विधि और उत्पाद विधि दोनों का समन्वय करके अगर जो हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय की गणना करने में बहुत ही सहूलियत होती है और एरर होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। देखिए ये प्रश्न मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको पता होने के बावजूद भी आप इसे बहुत बार गलत करते हैं, ठीक है, आपको पता होने के बावजूद भी
आप इसको क्या करते हैं, बहुत बार गलत करते हैं, बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा ग्राफ, लेकिन ठीक है, समझ लीजिएगा जितना मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है, जितना मैं बताना चाहता हूँ उतना आप बस समझ, बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं, कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता पे असर क्या पड़ेगा। देखिए सर, कितने लोग गलत कर रहे हैं, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं सर, अब जाके संभल गए, जब ऊपर से चार पांच लोग टिक दे दिए तो अब संभल गए। तो यही गलती नहीं करनी है कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है ना, तो आपकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक होती है, लेकिन बाद में चल करके ये आपकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है, और इसी के बाद सीमांत उपयोगिता में क्या आने लगता है, कमी आने लगता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुल उपयोगिता जब अधिकतम हो जा रही है यहाँ पे, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। लेकिन इसके बाद अब क्या होगा कि सीमांत उपयोगिता क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम उपयोगिता आपको मिल चुकी है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि धनात्मक होती है तथा घटती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच शून्य होती है तब, ये देखिए बस आप ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में संभाल लीजिएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ऐसे प्रश्नों को आप संभाल लीजिएगा, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप इतना प्रयास कर रहे हैं, आप इतना लगातार पढ़ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं आपको, आप एप्लीकेशन पे जो लोग एडमिशन लिए इतना सारा पढ़, यार कहां से प्रश्न पूछेगा, कहीं भी इधर उधर से नहीं पूछेगा, सब यही पूछेगा, दो चार प्रश्न इधर उधर के होंगे उसको भी करवा दिया जाएगा, है ना, एक दो प्रश्न एक्सेप्शन होते हैं, उसका कोई इलाज ही नहीं होता है, लाइलाज होता है वो, तो एक दो प्रश्न तो मान के चलिए कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन 125 प्रश्न अगर जो पूछे जाते हैं तो 120 से ज्यादा तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, अगर जो डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, कंसंट्रेट होके क्लास को कर रहे हैं और धैर्य के साथ क्लास को कर रहे हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ भी रहे हैं और कंसंट्रेट होके भी पढ़ रहे हैं, धैर्य और कंसंट्रेशन और फिर प्लस ज्ञान, ये तीन चीज जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा भैया, बता दीजिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच शून्य होती है तब वे वस्तुएं क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है। मांग की आड़ी लोच शून्य किसके मध्य होती है, स्वतंत्र वस्तुओं के मध्य। पूरक वस्तुओं में क्या होता है, निगेटिव होता है। अस्थापन वस्तुओं में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, विलासिता वस्तुओं में भी क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। पूर्ण प्रतिस्थापित वस्तुओं के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, इनफाइनाइट देखने को मिलता है। इस चार में से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो पूरक वस्तुओं में क्या होता है, पूरक वस्तु ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन हो, जैसे कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल दोनों आपके पास नहीं है तो कार में आप यात्रा नहीं कर पाए, ठीक है। तो जब कार की कीमतों में कमी आती है तो भैया कार की मांग बढ़ जाएगी, और जब कार की मांग बढ़ेगी लोग कार ज्यादा खरीदेंगे तो लोग पेट्रोल भी ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता की बात होती है तो यहाँ पे जीरो होती है, कोई लेना देना नहीं होता है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पूर्ण प्रतिस्थापन में क्या होता है कि इनफाइनाइट होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग, एक आदर्श मांग सारणी में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि मूल्य के विलोमानुपात में होता है। क्यों? क्योंकि जो मूल्य होता है अर्थात जो कीमत होता है इसमें और जो मांग होता है इसमें विपरीत संबंध होता है। अगर जो वस्तुओं की कीमतों में कमी आ जाती है तो लोग मांग बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे मैंने आपको मांग सारणी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो जब वस्तुओं की मूल्य अर्थात कीमतों में कमी आती है तो मांग में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और ठीक, इसका उल्टा भी ठीक है। अगला, उपभोक्ता संतुलन में तब होता है, एक उपभोक्ता संतुलन की बात होती है, एक फर्म के संतुलन की बात होती है। चलिए भैया बता दीजिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। संदीप जी, राजेश कुमार जी, विजय कुमार जी, विजय सक्सेना जी, तस्नीम खान जी, बबीता त्यागी जी, सीमा माथुर जी, सोहन खुराना जी, ठीक है, आरिफा, अफसाना जी, सुंदर सिंह जी, ठीक है, सभी लोग। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सभी लोग डी बोल रहे हैं, तो ठीक बोल रहे हैं कि भैया उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब दी हुई आय और कीमत पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास अगर जो 10 रुपए है उसी 10 रुपए का खर्च करके आप अपने अपने आप को संतुष्टि के स्तर पे ला देंगे तो आप उसी में क्या पा जाएंगे कि सेटिस्फेक्शन पा जाएंगे, अपनी उपयोगिता को अगर जो अधिकतम करेंगे तो आप संतुलन में आ जाएंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपभोक्ता संतुलन में होता है जब दी हुई आय और कीमत पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें विक्रेता, अब आप कहेंगे सर जी आप कई बार पढ़ाए हैं कि विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, विक्रेता का एकाधिकार होता है, मतलब एक विक्रेता होता है, बेचने वाला एक होगा और खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। तब क्रेता जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, क्रेता बहुत सारे होंगे, एक ही होगा। ये कहाँ से प्रश्न आ गया कि विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें, बिल्कुल ठीक। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि बाजार में वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो जाता है। तो विक्रेता बाजार वह स्थिति है जिसमें जो विक्रेता होता है वो बाजार में वर्चस्व स्थापित करने में सफल हो जाता है, अर्थात वो लोगों का विश्वास हासिल कर लेता है कि भैया लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, किसी भी हालत में लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकुंचित मांग वक्र के लिए सत्य नहीं है? चलिए, कौन सा सत्य नहीं है भाई? बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, लाइक से क्या बहुत कम हो, है ना। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था? पॉल स्विजी साहब ने, ठीक है, स्विजी साहब देते हैं ना, ठीक है। क्या कहते हैं कि ऊपर वाला वक्र जो होता है वो लोचदार होता है और नीचे वाला बेलोचदार होता है, तो क्या बोलते हैं, लोचदार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बेलोचदार बोलते हैं, ठीक है, बेलोचदार बोलते हैं। ये किसने दिया? स्विजी साहब ने दिया। किस प्रतियोगिता के अंतर्गत? अल्पाधिकार के अंतर्गत, के अंतर्गत अल्पाधिकार के अंतर्गत। तो ये दोस्तों एकाधिकार फर्मों के व्यवहार की व्याख्या करता है, ये बात जो होगा वो एब्सोल्युटली गलत होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी क्या करते हैं? क्या उत्तर हो गया भाई, बताइए। YouTube पे आज क्लास शो नहीं कर रहा है क्या? इतने सारे लोग मैसेज क्यों कर रहे हैं कि सर क्लास नहीं हो रही है क्या? YouTube पे क्लास शो नहीं कर रहा है क्या?
कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, क्लास नहीं शो हो रहा है। चलिए बताइए, डी बोल रहे हैं सभी लोग, अच्छा बोल रहे हैं कि विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी जो होता है परस्पर निर्भरता को एब्सोल्युटली 100% स्वीकार करते हैं, कपट संधि नहीं होता है, कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है। तो उपरोक्त सभी जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने बताई थी? स्विजी साहब ने बताया था। अगला प्रश्न, ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? अन्य बातों के समान रहने पर यदि सामान्य मूल्य स्तर में 25% की और मौद्रिक मजदूरी में 10% की वृद्धि हो गई हो तो वास्तविक मजदूरी पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सभी लोग बोल रहे हैं। सर जी 15% घटेगा, ऐसा कैसे हो जाएगा भैया 15% घटेगा? तो वास्तविक मजदूरी क्या होता है? वास्तविक मजदूरी, बहुत बार बताया हूं, वास्तविक मजदूरी इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू जो होता है वो मूल्य स्तर, सामान्य मूल्य स्तर, मूल्य स्तर अर्थात मूल्य ही बोल सकते हैं, मूल्य अपान मौद्रिक मजदूरी, ठीक है, मौद्रिक मजदूरी। तो ऐसी स्थिति में 25 में से हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे माइनस, तो 15% में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी जी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, चलिए क्या उत्तर होगा, ठीक है, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करके बताइए। सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि सीमांत उत्पादकता के सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन साधन की कीमत जो होती है वो बहुत निकट होती है किसके किसके, तो बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है, और कोई, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, और कोई, देखिए जो लोग भी ए बोल रहे हैं और जो लोग भी बी बोल रहे हैं, मैं आपसे बता दूं कि इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा, लेकिन आपका जो आयोग है उसने एक बार इसको भी माना है, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो उसके सीमांत आय उत्पाद के मान के होना चाहिए, है ना। हालांकि मैंने एक दो बार इस प्रश्न का उत्तर ये भी बताया इसलिए कि ये आयोग का उत्तर है, लेकिन सही मायने में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ये उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बी जो है वो आयोग ने इसका उत्तर माना है, तो एक बार देख लीजिएगा आप भी। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो होती है वो बहुत निकट होती है उसके सीमांत आय उत्पाद के मान के, तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन आयोग ने आपका उत्तर जो है वो बी ही माना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तरलता जाल वह यह दर्शाता है, अब जैसे अलग अलग आयोग है अलग अलग उत्तर मानता है, हम पीजीटी की बात कर रहे हैं मतलब माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की बात कर रहे हैं, अब लोक सेवा आयोग कुछ अलग मानेगा, छत्तीसगढ़ में कुछ अलग माना जाएगा, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ अलग माना जाएगा, केबीएस का एग्जाम देंगे तो वहां पे कुछ अलग माना जाएगा, हर जगहों पे अलग अलग मानते हैं, क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि तरलता जाल किसने दिया था, किन साहब ने दिया था, क्या कहा था, कहा था कि ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही गिरती है, उस सीमा से और नीचे ब्याज की दर कभी गिर नहीं सकती है, तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, मांग की ऋणात्मक आय लोच का अर्थ है कि जब आय में गिरावट आती है तो
वस्तु की खरीदी गई मात्रा पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब ये जो दिया गया है एक लाइन ना, ये ऐसे लोगों के लिए दिया गया है जो थोड़ा सा क्या है, जो जिनके पास आत्मबल की कमी है। ठीक है, इस लाइन को देने का बस इतना सा मतलब है, ये प्रश्न वे लोग ज्यादा गलत करेंगे जिनके पास आत्मविश्वास कम है। ठीक है, क्योंकि यही पढ़ लेंगे कि मां की ऋणात्मक आय लोच का अर्थ है। अब जो कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स का खिलाड़ी व्यक्ति होगा वो तो कर देगा इस प्रश्न, लेकिन जो थोड़ा सा नए नए होंगे वो क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि जब आय में कमी आएगी तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये मांग की ऋणात्मक आय लोच की बात कर रहा है, और मांग के ऋणात्मक आय लोच में क्या होता है कि जब आपकी आय में कमी आती है तो भी आप अपने मांग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि आपकी आय में गिरावट आएगी तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। तो मांग की ऋणात्मक आय लोच का मतलब, सीधी सी बात है कि मांग की ऋणात्मक आय लोच का मतलब ये होता है कि जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो आप अपने मांग को भी जब आपकी आय में कमी आती है तो आप वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, केन्स के तरलता जाल की दशाओं के अंतर्गत मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है। बढ़िया सा प्रश्न है, निजी करें सर, गिफिन टाइप का हो गया क्या ये। हाँ ठीक है, हाँ गिफिन टाइप का ही हो गया, सही है, वहां पे भी तो ऋणात्मकता की बात होती है, यही रीजन होता है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बोल रहे हैं। तो जितने सारे लोग बी बोल रहे हैं भैया आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि केन्स के तरलता जाल की दशाओं के अंतर्गत मुद्रा पूर्ति में अगर जो वृद्धि होती है तो उससे ब्याज की दर पे, निवेश पर तथा रोजगार पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का केन्स साहब के तरलता जाल के सिद्धांत के अनुसार ब्याज के दर पे, निवेश पर और रोजगार पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग होगी। बहुत इजी सी बात है, इसकी बात हो रही है प्रतिस्थापित वस्तु। प्रतिस्थापित वस्तु में क्या होता है, ऐसी वस्तु है जिसके बदले आप किसी और वस्तु का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, प्रतिस्थापित वस्तुओं का उदाहरण आप बताएंगे मुझे, कमेंट करके बताएंगे उदाहरण। प्रतिस्थापित वस्तुएं क्या होती हैं सर, जैसे हो गया चाय और जैसे हो गया कॉफी। ठीक है, तो अगर जो चाय की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप कॉफी की इसकी कीमत, चाय की मांग जो है वो आप कम कर देंगे, और जो कॉफी है इसकी मांग आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सर, बी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि जब वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। ठीक है, प्रतिस्थापित जब वस्तु की वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तु की बात कर रहा है, इसकी कीमत में अगर जो गिरावट आती है तो
वस्तु की मांग में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में 10 वस्तुओं के लिए सापेक्ष कीमतें क्या होंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये प्रश्न बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, क्यों गिरावट आ रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे काफी हो गया ठीक है, और जैसे चाय हो गया, अगर जो काफी के कीमतों में, ये बात तो ठीक है कि कीमत बढ़ेगी, अगर जो काफी के कीमतों में कमी आएगी तो ऐसी स्थिति में ये जो चाय वाला है उसको भी क्या करना पड़ेगा, कीमतों में कमी करना पड़ेगा ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा ठीक है। अगर जो ये अपनी कीमतों में कमी करेगा, अगर जो ये कीमत कम करेगा तो इसकी मांग जो होगी वो कम हो जाएगी ठीक है। अगर जो है ये जो काफी वाला है ये वस्तु की कॉफी की कीमतों को कम करेगा तो ये जो चाय है ना इसकी मांग कम हो जाएगी ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, मतलब बस सोच रहे हैं कि यार रट लेंगे ठीक है, रटनी नहीं है। जैसे देखिए चाय हो गया और काफी हो गया, काफी हो गया और चाय हो गया, दोनों क्या है 10-10 रुपए का मिल रहा है, ये भी 10 रुपए का मिल रहा है, ये भी 10 रुपए का मिल रहा है। अब काफी वाली कंपनी ने ये कहा कि हम क्या करेंगे 8 रुपए में कॉफी बेचेंगे ठीक है। तो अब जब ये 8 रुपए में बेचने लगेगा तो इसकी कीमत क्या है, ज्यादा है, चाय की कीमत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब इसकी कीमत ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे, लोग कॉफी पीना ज्यादा पसंद करने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में किसके मांग में कमी आ जा रही है, चाय के मांग में क्या आ जा रही है, कमी आ रही है। तो इजी सी बात है, इस बात को समझ लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि अगर जो एक अपनी कीमतों को गिराएगा तो दूसरे की मांग जो होगी उससे क्या होगी, प्रभावित हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए बिल्कुल ठीक। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगला प्रश्न बिल्कुल ठीक है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, जितने लोग लाइव हैं उतने लोग भी क्या कर रहे हैं, उतने लोग भी क्लास नहीं देख पा रहे हैं ठीक है। क्या उत्तर होगा भैया, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू ठीक है। तो क्या उत्तर आ जाएगा, एन का मान क्या दे दिया गया है 10 गुणा 10, तो फिर क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 बटा 2, तो 10 गुणा 9 बटा 2 क्या उत्तर हो जाएगा, 5 दुना 10 9 5 45 क्या उत्तर आएगा। सी जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, ऐसे ही टीचर बोलते थे, हमारे एक टीचर थे, क्या कहते थे, कहते थे 10 गुणा ब्रैकेट में 10 माइनस 1 बटा 2, 2 से कटेगा 10 को बार में 5 बार में कटेगा, अब कितना आ जाएगा 9 5 45। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के निम्न कार्य पर अधिक बल देता है, किसके कार्य पर अधिक बल देता है, कमेंट करके बता दीजिए भैया। बिल्कुल ठीक, जो कैम्ब्रिज समीकरण था बिल्कुल ठीक। चलिए ठीक है, क्या उत्तर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर इजी सी बात है सर, सभी लोग बताइए, इजी सी बात है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की बात करें तो जो कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है उन लोगों ने ये कहा ना कि आप मूल्य का संग्रह करिए, अर्थात आप मुद्रा को अपने पास रखिए, आप मुद्रा का बचत करिए ताकि भविष्य में चल करके, भविष्य में आपके पास पैसा ज्यादा रहेगा तो आपकी जो निवेश क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितने लोग भी
ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ना सभी लोग का उत्तर यहाँ पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करिए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ, आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, कहाँ से प्रश्न आएगा, बस ईमानदारी से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कम समय में बेहतर ढंग से सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलने वाला है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? दो चार नहीं, तीन चार एक दो, तीन चार दो एक, सभी लोग बोल रहे हैं तीन चार दो एक। ठीक है, तो एकाधिकार की बात करें, चेम्बरलिन साहब के साथ और कौन याद आ रहा है? सच्ची सच्ची बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है। और रॉबिन्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन याद आ रही हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता की बात होती है तो ये दो महानुभाव याद आने चाहिए, चेम्बरलिन साहब और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ठीक है, इन दोनों लोगों को याद रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर जो हम बात करते हैं देहाधिकार का सिद्धांत, तो ये किससे है? कुर्नो साहब का है। कुर्नो साहब क्या कहते हैं कि दो फर्म जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से निर्भर होते हैं। और स्विजी साहब ने किसकी बात की थी भैया? अल्पाधिकार की बात की थी, ठीक है। तो क्या उत्तर आ गया? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, तीन चार दो और एक बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जेवेन साहब सीमांत उत्पादकता की बात करते हैं। अगला प्रश्न, किक ई नाग रेखा का ऊपरी भाग सापेक्षता कैसा होता है? ये क्या है, किसका फॉल्ट है? ये गूगल ट्रांसलेटर का फॉल्ट है। पेपर आपका जब बना है तो इस शब्द को क्या कर दिया गया है, ट्रांसलेट किया गया, और ट्रांसलेशन में इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं दिया गया, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? की बात कर रहा है विकुंचित मांग बकर की बात कर रहा है, विकुंचित मांग बकर। यह उदाहरण किसने दिया था? पाल सुजी साहब ने दिया था। और क्या कहा, किसके अंतर्गत दिया था? के अंतर्गत दिया था, अल्पाधिकार के अंतर्गत दिया था। क्या कहा था कि जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या होता है, अधिक लोचदार होता है, और जो नीचे वाला भाग होता है क्या होता है, बेलोच होता है, बेलोच, ठीक है। तो अगर जो ऊपरी भाग पूछेगा तो लोचदार, अधिक लोचदार, और निचली भाग पूछेगा तो क्या होगा, ये बेलोच होगा। अगला, चलिए भाई ये प्रश्न भी बचा है अभी, ये प्रश्न भी है अभी, है ना। पूर्ण दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की सापेक्षा अपेक्षा एकाधिकारी सदैव कम उत्पादन स्तर पर लाभ अधिकतम करता है, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो एकाधिकारी का मांग बक नीचे की ओर होता है, नीचे लिए दिए लिखे गए कूट को बताइए, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया? चलिए ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है भैया, कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगी फर्म की अपेक्षा एकाधिकारी सदैव कम उत्पादन स्तर पर लाभ अधिकतम करता है। क्योंकि जो एकाधिकारी होता है वो करता क्या सोचता है, पता है जुगाड़ू विधि अपना लो और कैसे भी करके वस्तु का उत्पादन कर लो, हमको क्या करना है कि हमको कोई बहुत लंबा थोड़ी रहना है, कम समय में कम उत्पादन करके ज्यादा लाभ करके टाटा बाय बाय बोल दे। और यही कारण होता है कि एकाधिकारी का मांग बक्र नीचे की ओर खिसकता हुआ होता है। तो जितने भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है,
और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल जाएगा। इसमें स्थिर और सतत की बात हो रही है। इस प्रश्न की बात कर रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अब जो इकोनॉमिक्स ठीक तरीके से पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी ग्राफ पढ़ा होगा, ये प्रश्न बता देगा। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो नहीं बताएंगे। क्या उत्तर होगा भाई? ये किसका वक्र है ये बताइए। ये किसने बताया था? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। मार्शल और एजवर्थ साहब, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? प्रस्ताव वक्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? संविदा वक्र भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि दो उपभोक्ताओं के तटस्थता वक्रों, दो उपभोक्ताओं के तटस्थता वक्रों के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बिंदुपथ को ही हम क्या बोलते हैं? प्रसंविदा वक्र बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल। अगला, एक अर्थशास्त्री और हैं जिनका नाम कभी कभी देखने को मिलता है, बाउले साहब, ठीक है, जिन्हें आप बाउल के नाम से भी पढ़ते हैं। तो बाउले साहब भी संबंधित इससे हैं, लेकिन उनको बहुत पूछा नहीं जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत थोड़ी बहुत बात की है इसके संदर्भ में। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर करिए, मार्शल और एजवर्थ ही पूछते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल, तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। सर इस समय क्या होगा? सामान्य साम्य। सामान्य साम्य में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी इकाइयां होती हैं सबका अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे आंशिक साम्य क्या होता है कि इसमें किसी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? वालरस और मार्शल को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो आंशिक साम्य का संबंध जो होता है दोस्तों, वो व्यक्तिगत या किसी एक विशिष्ट इकाई से होता है। और सामान्य साम्य में क्या होता है कि यहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, लाइक शेयर क्यों नहीं करते हैं भैया? चलिए ये तो आसान सा प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इजी सी बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सी या बी भी हो सकता है ना, बहुत अच्छी बात। सी भी हो सकता है या बी भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात। सुरेंद्र सिंह जी बहुत सही, और कोई? श्याम मिश्रा जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। कविता त्यागी जी बहुत सुंदर, दुबे जी बहुत अच्छा, आरिफा बेगम जी बहुत सही, मंजुला शर्मा जी बहुत सुंदर, सुमन कुमारी जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, नैना यादव जी, रुखसार खातून जी सुंदर, सुचि मिश्रा जी बेहतरीन, संध्या जी बहुत अच्छे। अरे भाई, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसकी बात कर रहा है? गोसेन के प्रथम नियम की बात कर रहा है। गोसेन साहब का प्रथम नियम, गोसेन साहब का प्रथम नियम क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? कम होने लगती है। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा, डी होना चाहिए। फिर इतने सारे लोग बी और सी का नाम क्यों ले रहे थे? ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? ये गोसेन का प्रथम नियम हमें यही बताता है कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने क्या होती है? कम होने लगती है। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। क्या होता है? ये तो होता है कि जब आपको भूख लगी होती है तो जब आप पहली रोटी लेते हैं तो पहली रोटी बहुत आपको मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत उपयोगी होता है। दूसरी रोटी में थोड़ी सी भूख मर चुकी होती है
तो आप क्या कहते हैं कि अभी आप ठीक है। तीसरी चौथी पांचवी आठ दस ग्यारह रोटी खाने के बाद 12वीं रोटी की आपके लिए कोई उपयोगिता नहीं रहती है, ठीक है, इजी सी बात है। अगला, पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए भैया, पैमाने का प्रतिफल का जो नियम है उसमें कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। क्या उत्तर होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। अच्छा भैया, अरे भैया सी बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और कोई महानुभाव? सी वाले कितने हैं? एक दो चार बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है, सभी लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई, और कोई, और कोई, और कोई? ठीक है ठीक है ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक है कि इन नियमों की व्याख्या केवल समांग उत्पादन फलन द्वारा होता है। साधन अनुपात स्थिर देखने को मिलता है, साधन अनुपात जब स्थिर होगा तो फिर परिवर्तनशील, यह केवल दीर्घ काल में ही संभव है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, एक आधिकारिक स्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घ काल में शून्य हो जाता है। आसान है, बहुत आसान, इतना आसान सा प्रश्न है, इजी सी बात है, बहुत बच्चों वाली बात है। एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घ काल में क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। बता दीजिए भैया क्या होता है? फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होने लगता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे जब कोविड आया तो क्या होगी, कोई एक कंपनी होगी जो मास्क बनाई होगी, कोई एक कंपनी होगी जो सैनिटाइजर बनाई होगी, लेकिन जब दूसरी कंपनियों ने देखा कि भैया ये तो मास्क और सैनिटाइजर बना के अमीर हो गए बहुत ज्यादा, तो वो लोग भी क्या करने लगे, इनका पीछा करने लगे। फिर ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाएंगे समरूप वस्तुओं के साथ, तो स्थिति क्या हो जाएगी, एकाधिकार की बचेगी ही नहीं, वो अल्पाधिकार और फिर पूर्ण प्रतियोगिता का रूप लेगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण फर्म का लाभ दीर्घ काल में शून्य हो जाता है, वो होता है भैया फर्म का स्वतंत्र। अगला, चलिए क्या उत्तर होगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिष्ठित समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बी के तरफ सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग बी बोल रहे हैं। अच्छा भाई, सभी लोग ठीक, अगर जो सभी लोग अच्छा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि कीमतों को इन्होंने स्थिर सत्य पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो कीमतों को इन्होंने स्थिर नहीं माना है, कीमतों को इन्होंने परिवर्तनशील माना है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर है क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिष्ठित समस्त अर्थशास्त्र के लिए सत्य नहीं है, तो सत्य बात ये नहीं है कि कीमतें स्थिर होती है, कीमतें स्थिर नहीं होती है, ऐसा प्रतिष्ठित समस्त अर्थशास्त्रियों ने बताया, ठीक है। तो क्या और बोलते हैं कि बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है, से का बाजार नियम अर्थात पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं और ब्याज और पूंजी के संबंध भी बताते हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता आय में हुई वृद्धि का 20% बचत
करते हैं, गुणक का मान होगा। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न। अब आप कहेंगे सर जी जब गुणक पूछता है तो हमेशा क्या देता है कि एमपीएस का मान देता है या एमपीसी का मान दे देता है, और यहाँ पे उपभोक्ता की आय में हुई वृद्धि अर्थात उपभोक्ता की आय दे दिया। अब इसका क्या मतलब होगा सर, कैसे हो जाएगा? तो गुणक क्या होता है, 1 = 1/MPS या 1/(1 - MPC)। और आपको ना ही यहाँ पे क्या दिख रहा है, एमपीएस प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आराम से करिए, जितना आसान ये प्रश्न दिख रहा है उतना आसान है नहीं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये पूछ रहा है कि उपभोक्ता आय में हुई वृद्धि का 20% बचत करते हैं तो गुणक का मान क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। तो K = क्या होता है, 1/MPS होता है, ठीक है? और चूंकि बचत प्रवृत्ति की ही ये बात कर रहा है तो बचत प्रवृत्ति ही तो क्या होता है दोस्तों, एमपीएस होता है। तो ऐसी स्थिति में 20% को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 20/20% को, अगर जो इसको दूसरे तरीके से लिखना होगा तो 20/ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है? 20/100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 × 10 = 0.5 आना चाहिए ना इसका उत्तर, ठीक है? 0.5। अच्छा एक सेकंड रुक जाइएगा। 1/0.5, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में एक सेकंड रुक जाइएगा, फिर हमको ये भी तो देखना है ना, यहाँ पे भी तो 1 होना चाहिए, इसका 20% दिया है, इसका 20% दिया है ना, हाँ ठीक, 1/20/100, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, 5 उत्तर आ जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, ठीक है? परसेंटेज को आप बस कन्वर्ट कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? आसान सा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा? राष्ट्रीय आय में किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा? एक सेकेंड रुकिए, 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाइएगा, एमपीएस को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं, ये फिर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, इस 2500, और फिर इस फॉर्मूले में आप इसको रख देंगे, K = 1/MPS में रख देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने, A/B पूरे का C/D, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, BC/AD, यही तो होता है ना, हाँ। तो ऐसी स्थिति में 5 उत्तर आ जाएगा, ठीक है? अगला, चलिए कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे थे सर, इसका उपादान अर्थात सब्सिडी को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बहुत आसान सा प्रश्न है, त्वरक की अवधारणा किसने दिया था भैया? अब त्वरक को ढूंढेंगे तो कुछ लोग पढ़े होंगे कि सर त्वरक की अवधारणा तो बताएं कि सर्वप्रथम किसने दिया था, अवतेलियन साहब ने दिया था, ठीक है? वो यहाँ पे दिए ही नहीं है, तो इसको विकसित करने का कार्य किसको जाता है, हमारे जेबी क्लार्क साहब को जाता है, ठीक है? सर्वप्रथम अवतेलियन साहब ने दिया था और विकसित करने का कार्य जेबी क्लार्क साहब को जाता है। आय स्फीति से अभिप्राय होता है, आय स्फीति से क्या अभिप्राय होता है, आय स्फीति से क्या अभिप्राय होता है बताइए भाई?
और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लिया करिए, ठीक है। आय स्फीति से अभिप्राय, मतलब आपको याद आना चाहिए कि मांग जन मुद्रा स्फीति होती है और मांग जन मुद्रा स्फीति होती है तो उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं कि लोगों की आय में वृद्धि होती है तो इसलिए अपने मांग को बढ़ा देते हैं, और मांग को बढ़ा देते हैं तो जितनी मांग करते हैं उतनी वस्तुओं की पूर्ति नहीं होती है, तो मार्केट में वस्तुएं कम होती है, मांग ज्यादा होता है तो वस्तुओं में वृद्धि हो जाती है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना ही महंगाई कहलाती है और महंगाई को ही अर्थशास्त्र में मुद्रा स्फीति बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय में क्या हो गई है, वृद्धि हो रही है। इट मीन्स कि लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है तो वो मांग बढ़ा रहे हैं, पूर्ति उस हिसाब से नहीं हो पाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए, कि मौलिक नीति का क्रियान्वयन निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए न कि विवेक के अनुसार, ये विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया बताइए। मौलिक नीति का क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन शब्द इसका इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी वाला कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाता है। निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए न कि विवेक के अनुसार, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर किसको बोल रहे हैं, फ्रीडमैन साहब को बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो मौलिक नीति का क्रियान्वयन निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए न कि विवेक के अनुसार, ये बात कौन करता है, फ्रीडमैन साहब बोलते हैं। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने सही हुए। और दोस्तों कल सुबह में ग्राफी पे मुझे ज्वाइन करिएगा 10 बजे जरूर, जो लोग भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, कल लाइव क्लास वहाँ पे सुबह में 10 बजे होगी। और हमारी जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं, अगर जो आप ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स को पढ़ते रहिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ मेरे द्वारा दिया जा रहा है, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन भी पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट मध्य प्रदेश सेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के अलग अलग बैच चल रहे हैं, अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है, इट मीन्स आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आगामी परीक्षाओं में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे, जब भी नया बैच प्रारंभ होता है तो आपको ऑटोमेटिकली बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। तो बात करें दोस्तों, अगर जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सॉरी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस जो है वो 2000 रुपये है, मध्य प्रदेश स्टेट मध्य प्रदेश सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपये है। तो आपको एडमिशन के लिए इस नंबर पे गूगल पे फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करिएगा कि वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आपको अलग से इकोनॉमिक्स के नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कुछ भी चाहिए तो अलग से भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ, कल शाम को 7 बजे, तब के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।